इस बात का मलाल वर्तमान परिदृश्य में दिखलाई पड़ रहा है, जहां महापुरुषों को पढ़ाने के बजाय लुटेरों आक्रांताओं को पढ़ाया गया। बदलते राजनीतिक परिवेश में भाजपा ने इन मुद्दों को संवेदनशील बना, युवाओं के बीच पैठ बनाई, तो अब कांग्रेस भी इसको लेकर नया रुख अख्तियार कर रहा है, जिसका आगाज दिख रहा है झारखंड की राजनीतिक राजधानी पलामू से, जहां नए निर्वाचित प्रतिनिधियों में एक सूर्यांश प्रताप सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी को झारखंड समेत देश के तमाम वैसे जननायकों के जीवन चरित्र को जानने और समझने की आवश्यकता है, जिनके अथक परिश्रम और बलिदान के बदौलत हमारा देश आजाद हुआ। अक्सर हमने कुछ वैसे महापुरुषों का जीवन वृतांत इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा तो है, बावजूद इसके ऐसे अनगिनत नाम इस झारखंड राज्य और देश की कहानियों में अब भी दफन हैं, जिनके बारे में हम सबों को और अधिक जानने की आवश्यकता है। और इस बात पर बल दिया है यूथ कांग्रेस के मेदिनीनगर विधानसभा अध्यक्ष सूर्यांश प्रताप सिंह ने। यूथ कांग्रेस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलकर इस बात की मांग रखना चाहता है कि आने वाले वक्त में अपने स्वतंत्रता सेनानी महापुरुषों एवं आधुनिक भारत के प्रणेताओं को आने वाली युवा पीढ़ी पढ़ सकेगी, जान सकेगी। झारखंड सरकार द्वारा जो शिक्षा झारखंड प्रदेश के बच्चों को दी जा रही है, उस पर हमारी युवा कांग्रेस की टीम, या युवा कांग्रेस से पहले कहें कि एक झारखंडवासी, तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा देश का भविष्य, आप सब जानते हैं, शुरू से कहा गया है कि इस देश के बच्चों पर निर्भर करता है। और इस देश के बच्चों पर निर्भर करने के साथ अहम मुद्दा यह है कि आज के जो बच्चे हैं उनका मानसिकता डिसाइड करेगा कि हमारा कल का देश का भविष्य कैसा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई सभी सब्जेक्ट सभी चीज़ों की जरूरी है, लेकिन आप जैक द्वारा या CBSE जो भी देखेंगे, हमने भी अपने विद्यालय जीवन में जो पढ़ाई किया है, तो विद्यालय जीवन के पढ़ाई भर में, चाहे झारखंड बोर्ड से भी हमने पढ़ाई की है, कहीं भी हमारा जो देश का इतिहास रहा है, हमारे देश के महत्वपूर्ण राजा महाराजा रहे हैं, चाहे वो वीर मराठा शिवाजी राजे हों या बाजीराव हों या महाराणा प्रताप हों, जो देश का इतिहास रहा है उस देश के इतिहास से लोगों को छुपाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा जा रही। तो इस देश का इतिहास जब तक इस देश के बच्चे नहीं जानेंगे, तब तक इस देश की जानकारी सिर्फ मैथ या साइंस पढ़ के नहीं होगा। मेन नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज के लिए आपको देश का इतिहास, जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में, मेरा झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी से निवेदन है कि हम युवा कांग्रेस की टीम, चाहे वो जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, हर विधानसभा के, हम सब मिलकर एक चिट्ठी तैयार कर रहे हैं, जो कि हम लोगों का मांग किया जाएगा, क्योंकि हमारे हक में भी मांग करना है, कोई चीज़ हम लागू नहीं कर सकते हैं, तो मांग करने के लिए हमारे से जितना होगा हम करेंगे। और हमारा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और भारत के इतिहास को यहाँ के बच्चों तक लाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ के बच्चे ही डिसाइड करेंगे कि आपका कल का फ्यूचर कैसा होगा, झारखंड का फ्यूचर कैसा होगा और देश का भविष्य कैसा होगा। धन्यवाद।